नमस्कार, मैं हूं मनीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आज की खबर। सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे के मामले में साफ तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश का सिस्टम पूरी तरह से फेल्योर हो चुका है। दरअसल ये सिस्टम न सिर्फ विकास दुबे के मामले में फेल हुआ, बल्कि इस माफिया के खजांची जयकांत वाजपेयी के मामले में भी पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। आखिर जयकांत वाजपेयी पर सिस्टम क्यों मेहरबान है, यह गंभीर जांच का विषय है। लेकिन जब सफेदपोश नेता और अफसर खुद जयकांत वाजपेयी की पर्दे के पीछे से मदद कर रहे हैं, तो आखिर सिस्टम क्यों ना फेल हो। उत्तर प्रदेश के दो कद्दावर मंत्रियों ने भी जय वाजपेयी के काले कारनामों और संपत्तियों की तमाम शिकायतें की थीं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। माफिया विकास दुबे के खजांची अरबपति जयकांत वाजपेयी पर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। जय और विकास के बैंक खातों में खूब लेन देन भी हुआ था। अब माफिया के मददगार रहे सफेदपोश नेता और अफसर पर्दे के पीछे से जय को बचाने में जुटे हैं। हालांकि पुलिस ने काफी फजीहत के बाद जय को फिलहाल जेल तो भेज दिया है, लेकिन यूपी सरकार के दो मंत्रियों ने 2 साल पहले ही जय के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र लिख दिया था। बावजूद इसके जय का बाल बांका ना होना साफ दिखा रहा है कि विकास दुबे की तर्ज पर जय के मामले में भी सिस्टम पूरी तरह फेल साबित हुआ। उत्तर प्रदेश का सिस्टम आखिर माफिया विकास दुबे पर क्यों मेहरबान है? एसटीएफ ने उसे कई दिनों तक हिरासत में रखा, लेकिन कोई भी राज उगलवा नहीं पाई या उगलवाना ही नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश की जिस एजेंसी एसटीएफ के पास आकर बड़े बड़े अपराधी अपना मुंह खोल देते हैं, वहीं महज 8 साल पहले तक एक पान दुकानदार रहा जयकांत वाजपेयी एक भी राज ना उगलता है और ना ही अपनी अथाह संपत्तियों की पूरी डिटेल अफसरों के सामने रखता है। ये वो जयकांत वाजपेयी है जो ये कहता है कि वो होली पर बैंकॉक, थाईलैंड जैसे देश घूमने जाता है। एक पान दुकानदार और कभी एक पंचर की दुकान चलाने वाला, या फिर कभी प्रिंटिंग प्रेस में महज 4,000 की नौकरी करने वाला माफिया का खजांची जय वाजपेयी त्योहारों पर विदेश घूमता है और उसकी काली कमाई के राज जांच एजेंसियां अभी तक खोज नहीं पाती, ये पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है। यूपी के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2018 में एडीजी कानपुर को पत्र लिखा था। इस पत्र में जय वाजपेयी की संपत्तियों से लेकर हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के साथ संबंधों की पूरी जानकारी थी। जय ने विकास दुबे को कब और कितने रुपए दिए थे। हालांकि अब जय खुद विकास से लेन देन पर सभी को गुमराह करने की साजिश रच रहा है। आम आदमी की जब गुहार नहीं सुनी जाती तो वो मंत्री के पास जाता है, लेकिन माफिया विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी की शिकायत खुद उत्तर प्रदेश सरकार के दो वरिष्ठ मंत्रियों ने की थी। ऐसे में ये मंत्री अपनी फरियाद लेकर कहां जाएं, क्योंकि दोनों ही मंत्रियों के शिकायती पत्र शासन के अफसरों की फाइलों में दफन है। दरअसल जय वाजपेयी की संपत्तियों का पूरा सिजरा अफसरों के सामने तो बहुत पहले आ गया था, लेकिन ना ही गृह विभाग और ना ही शासन में बैठे और विभागों के अफसरों ने इन शिकायती पत्रों का संज्ञान लिया। इसके पीछे आखिर कौन है? क्या इसके पीछे कानपुर का कॉमेडियन अन्नू अवस्थी का वो
रिश्तेदार आईएएस अफसर है जिसके साथ जय वाजपेयी की तस्वीरें सुर्खियां बटोर रही हैं, या फिर जय वाजपेयी का खास आईपीएस और कानपुर का एसएसपी रहा आनंदेव तिवारी है, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक हैं जिनके साथ जय वाजपेयी की तस्वीरें आम हैं, या फिर उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं जिनके साथ भी जय वाजपेयी की तस्वीरें आम हैं। ये वो खास शख्स हैं जो एक अपराधी और अरबों का आर्थिक साम्राज्य चलाने वाला विकास दुबे का खजांची जय वाजपेयी के ऊपर शिकंजा न कसने का दबाव बना रहे हैं। आप खुद सोचिए, एक आम आदमी को नोटिस देने में आयकर विभाग तनिक भी देर नहीं लगाता, लेकिन जिस कानपुर में खुद आयकर विभाग का मुख्यालय था उसी ने कभी जय वाजपेयी को एक नोटिस नहीं दी। माफिया विकास दुबे ने आज तक एक भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दाखिल किया। ये सब सिस्टम के जिम्मेदारों की साठगांठ की वजह से हुआ, और इसके जिम्मेदारों को इसकी सजा कब मिलेगी ये भी कभी सिस्टम आपके सामने आने नहीं देगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जय वाजपेयी। पुलिस ने आपको क्लीन हमको सर नहीं मालूम, मैं वो हमको शनिवार को बुलाया गया था, जब जब बुलाया गया मैं जब जब गया उसके मेरा इस घटना से कोई लेना देना नहीं। परसों कप्तान साहब ने पेपर में छापा, कल के पेपर में छपा, कल रात को हमको बुलाया गया, मैं वापस गया। मेरा 11 लाख मेरा 11,80,000 रुपए का लेन देन था हमारा, वो भी हमने उधार दिया थे। पाँच साल नहीं, 20 साल पहले सर थे। कोई नहीं सर, मेरी गाड़ियाँ भी वही थी। मैं जिस दिन घटना हुई मैं 3 दिन घर में रहा, मेरा फुटेज मेरे घर की है, मेरी गाड़ियों की सब फुटेज है, सब में मैं क्लीन ससुराल है, लेकिन उस परिवार से मेरा कोई लेना देना नहीं, और ना ही मैं 15 साल में शादी हो चुकी है। हमने मतलब मेरी मार्च के बाद से मेरी कोई खास डिटेल नहीं है, मैं लिप्त रहा हूँ जबरदस्ती का मुझको पता है। फिलहाल जयकांत वाजपेयी को लंबी फजीहत के बाद भले उत्तर प्रदेश पुलिस ने जेल भेज दिया, लेकिन कई राज सामने आने बाकी हैं। जयकांत वाजपेयी ने साफ तौर पे कहा है कि विकास दुबे के मददगार कई नेता और अफसर थे, पुलिस उनसे क्यों नहीं पूछती? पुलिस उनसे पूछेगी भी नहीं, क्योंकि अगर पूछेगी तो ना सिर्फ ये नेता और सफेदपोश बेनकाब होंगे, बल्कि इनके वो दिग्गज आका भी सामने आएंगे जिनका नाम और काम अभी तक पर्दे के पीछे है। कानपुर पुलिस ने अभी तक आयकर महकमे को संपत्तियों से जुड़ी एक भी रिपोर्ट नहीं दी। ऐसे में आयकर विभाग ने अपनी जांच तो शुरू की है, लेकिन आयकर विभाग के पास गिरफ्तारी का कोई नियम नहीं है। आयकर विभाग महज कुछ सालों के इनकम टैक्स रिटर्न की जांच कर सकता है, और जय वाजपेयी भी बार बार यही कह रहा है कि आयकर विभाग तो अपनी जांच कर ही रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी को पूरा भरोसा है कि आयकर विभाग की जांच के बाद वो महज कुछ रुपए देकर टैक्स को जमा कर देगा और एक बार फिर से बाहर आ जाएगा। और अगर इतना बड़ा आर्थिक अपराधी
जी हां, आर्थिक अपराधी, क्योंकि जय वाजपेयी की मिल्क यार्ड लखनऊ या कानपुर तक सीमित नहीं है, 10, 20, 50 करोड़ तक सीमित नहीं बल्कि कई सौ करोड़ तक फैली है। जय वाजपेयी विकास दुबे का पूरा कच्चा चिट्ठा जानता है। ऐसे में अगर जय वाजपेयी के ऊपर शिकंजा नहीं कसा गया तो एक बार फिर से यही सिस्टम बड़ों पर मेहरबानी दिखाने के लिए जाना जाएगा। फिलहाल जय वाजपेयी और विकास दुबे मामले की पल पल की अपडेट से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आज की खबर और मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्र के समर्थन में बाकायदा साक्ष्य भी एडीजी को दिए थे, फिर भी तत्कालीन एडीजी कानपुर ने कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझा। सिर्फ यही नहीं, यूपी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने भी जय के काले कारनामों पर पत्र लिखा था, जिसमें विकास दुबे के इस खजांची की बीते 8 सालों की हैसियत का पूरा ब्यौरा और जय के काले कारनामों को बेनकाब कर रहे वकील को सुरक्षा देने का जिक्र था। शासन ने इस पत्र को भी कूड़े के ढेर में डाल दिया। प्रमुख सचिव गृह को लिखे गए पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका सीधा अर्थ है कि माफिया के फाइनेंसर का रसूख दोनों मंत्रियों से काफी बड़ा था। आखिरकार अरबपति जयकांत वाजपेयी को जेल भेजने में पुलिस को 15 दिन क्यों लगे? ये एक बड़ा सवाल है जिससे एसटीएफ और पुलिस दोनों भाग रहे हैं। यूपी सरकार के किस बड़े मददगार अफसर के इशारे पर यूपी पुलिस और एसटीएफ काम कर रही है? क्या मुख्यमंत्री इसकी जांच कराएंगे? क्योंकि कानपुर पुलिस ने अभी तक आयकर महकमे को जय वाजपेयी के खिलाफ कोई पत्र नहीं भेजा है। आयकर की बेनामी विंग स्वतः संज्ञान लेकर मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये जांच भी महज चंद संपत्तियों तक सीमित है। आयकर अफसरों के मुताबिक पुलिस का पत्र आने के बाद उसके बिंदुओं को भी जांच में शामिल किया जाएगा।